22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पुलिस कहीं ना कहीं अलर्ट जरूर नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगाहें हैं। आपको बता दें इस वक्त राजधानी लखनऊ के हम दक्षिणा टोल प्लाजा पर हैं, जो NH 30 पर बना हुआ, पीछे दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं कि ये NH 30 का टोल प्लाजा है, जहां पर तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और लगातार एक एक वाहन की जांच की जा रही है। एक एक चीज़ को खुलवा करके यहां पर देखा जा रहा है कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहां पर हमारे साथ में मोहलालगंज के ACP हैं, बात करते हैं सर किस तरह से पूरा जो चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है, क्या क्या देख रहे हैं इसमें? विशेषकर 22 तारीख के संदर्भ में जो कि अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम होना है, इसके अलावा जो 26 जनवरी है इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे पुलिस आयुक्त लखनऊ के द्वारा एवं अन्य पुलिस उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि निगरानी की जाए, सतत रूप से यातायात कहीं निर्बाध रूप से चलता रहे, कहीं कोई जाम या वो समस्या ना रहे, साथ ही साथ संदिग्ध व्यक्तियों की और वाहनों पर भी निगरानी रखी जाए। सर अभी तक हम देख रहे हैं लगभग 4-5 वाहनों की आपने जाँच की, कुछ ऐसा कुछ मिला क्या? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, अभी तो कोई नहीं पाई गई है। लोग सपोर्ट कर रहे हैं? लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं कि हम लोग उनकी मदद के लिए ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि सुरक्षित रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें और अच्छा माहौल रहे। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि हाड़ कपाने वाली ठंड है, ऐसे में पुलिस मुस्तैद है और लगातार जो वाहन है उसकी जाँच की जा रही है। यहाँ पर निगोहा पुलिस थाने की पूरी फोर्स है, साथ में ACP मोहलालगंज मौजूद है, टोल कर्मी भी यहाँ पर हैं, हमारे साथ में जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो हैं। सर क्या कहेंगे टोल से जो गाड़ियाँ निकलती हैं, अमूमन लगभग कितनी गाड़ियाँ निकलती होंगी? सर अभी जो गाड़ियाँ हमारी निकल रही है करीबन 20,000 के समथिंग जो गाड़ियाँ जा रही है, जिनकी यहाँ पे अभी जो चेकिंग अभियान चला हुआ है, इसके साथ में हमारा जो टोल स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा है, पीछे का ट्रैफिक मैनेज करना, कोन और डाइवर्जन डालना, तो ये सारा चीज़ हमारा स्टाफ जो है वो भी मैनेज कर रहा है। एंड जो चेकिंग चल रही है उसके अंदर में ट्रैफिक कहीं कोई ऐसा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, क्योंकि सारी गाड़ियों को साइड में करके चेकिंग चल रहा है। बिल्कुल, टोल जो है यहाँ का जो टोल है वो भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है और लगातार सब गाड़ियाँ देख रहे हैं, कितने आराम से लोग गाड़ियों की जांच करा रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि ये जांच उनके लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है, तो कहीं ना कहीं लोग बात करते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? जा रहे हैं ये अपना राबी सलून। सलून जा रहे हैं? अच्छा, आप पुलिस जांच कर रही, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उनको पता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए मुस्तैद है, इसीलिए जांच की जा रही है। वहीं साथ ही साथ जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की, उसको लेकर के खास सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं, जिसके मद्देनज़र लगातार पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात नजर आ रही है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। इधर वाले भी तो रोक सकते हैं।